हम दुनिया का सबसे आधुनिक योद्धा तैयार करेंगे। और हमने इस प्रोग्राम को नाम दिया है जी। अगले मिशन पर जाना है। Beyond Science। एक सुगम राष्ट्र। रोबोट। बचा कर रखेगा मॉम। हेलो दोस्तों, फिल्मी बातें विद सनी में आपका स्वागत है। फिल्में से जुड़ी अपडेट पाने के लिए फिल्मी बातें विद सनी को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत सर की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया हिंदी लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी रोबोट 3.0 के बारे में, जो आपको बड़े पर्दे पर अगले साल तक देखने को मिलने वाली है। आपको बता दूं, रजनीकांत सर की मूवी को लेकर काफी कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मूवी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए मेकर्स काफी मेहनत कर रहे हैं। इस मूवी में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं शानदार VFX का नजारा मिलने वाला है। वही बात करें स्टार कास्ट की, तो जहां रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार विलन के किरदार में नजर आए थे, वहीं इस बार रोबोट 3.0 में वहीं उनकी जगह बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं और स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में आपको कैटरीना कैफ देखने को मिल सकती है। हालांकि उनके नाम को लेकर मेकर्स के द्वारा कोई अपडेट नहीं दी गई है। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन एस शंकर के द्वारा किया जा रहा है, जबकि प्रोडक्शन ए सुभाकरण के द्वारा लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले किया जाएगा। वहीं इस मूवी में आपको AR रहमान का शानदार म्यूजिक मिलने वाला है। इस मूवी का बजट 500 से 600 करोड़ तक रहने वाला है। वेल, फिल्म की अनाउंसमेंट इस साल के अंत तक की जा सकती है, जबकि फिल्म का ट्रेलर 2024 तक देखने को मिल सकता है। वैसे रोबोट 3 को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी इसी तरह का अपडेट पाने के लिए फिल्मी बातें विद सनी को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखें।